लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पी चिदंबरम, सिद्धारमैया, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, आरपीएन सिंह, मोतीलाल वोरा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बैठक में हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की, लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया। आपको बता दें कि और राहुल गांधी के इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है इस बैठक में। लोकसभा चुनाव से मिली हार पर इस बैठक में मंथन किया गया और दिल्ली में आपको बता रहे हैं कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक, जहां पर राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा पेश किया लेकिन पार्टी ने उसे नामंजूर कर दिया। इस बैठक में कई दिग्गज मौजूद रहे। राजस्थान की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में मौजूद रहे और लोकसभा चुनाव में मिली हार पर विस्तार से इसमें चर्चा की गई और इसमें राहुल गांधी का इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई।